जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग पैन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। पैन इंडिया काफी फेमस कंपनी, नाम तो आपने सुना होगा। वैसे है तो ये पेनी स्टॉक, हालांकि हमारे चैनल पर आप देखेंगे तो ज्यादातर पेनी स्टॉक से रिलेटेड वीडियो में लेकर आता हूँ, क्योंकि पेनी स्टॉक में वो ताकत होती है दोस्तों जो किसी रंग को राजा भी बना सकता है और राजा को रंग भी बना सकते हैं यदि आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तब। हालांकि हम लोग जो प्लानिंग फॉलो करते हैं, जिस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उस पर काम करते हैं, तो उसमें निश्चित तौर पर व्यक्ति निचले स्तर से उठकर ऊपरी लेवल तक जाता है। यानी कि ये हम लोग रंग से राजा बनने की ओर काम करते हैं और लोग बनते भी हैं। रंग से राजा बनने में कितना समय लगता है वो आपको समय बताएगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ यदि आप सही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं और तरीके से काम करते हैं तो आपको राजा बनने में स्टॉक मार्केट में समय नहीं लगेगा। और जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ये इसी चीज को और आसान बनाते हैं, कम समय में आपको वेल्दी बनाने का काम करते हैं यदि आप सही स्टॉक चुनते हैं और सही समय पर उसमें अप्लाई करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी और एक अच्छा लेवल बाई करते हैं तब। तो समझेंगे पैन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड कैसी कंपनी है जिसके पास इन्वेस्टमेंट है वो काफी, मतलब एक प्रकार से कर सकते उब गए हैं, क्योंकि काफी दिनों से जो शेयर प्राइस है ऊपर नहीं जा रहा है, इसीलिए जो फंसा हुआ है। और जिसके पास इन्वेस्ट इसमें शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं है वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है और करना भी चाहिए कि नहीं, इन्हीं सब चीजों को इस वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, समझते। देखिए पैन इंडिया जो कंपनी है ना, ये आपको सिक्योरिटीज मार्केट में कामकाज करते हुए दिख जाएगी, प्लस आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए दिख जाएगी। यानी कि शेयर मार्केट से जुड़ी कंपनी है ही, साथ में फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि कह सकते हैं से जो एनबीएफसी कंपनी का काम होता है उस तरीके से कंपनी आपको कामकाज करते हुए दिखाई देगी। काम व्यक्तिगत तौर पर मैं इसके काम को काफी पसंद करता हूँ, क्योंकि एक तो स्टॉक मार्केट से सिक्योरिटीज मार्केट से जुड़ी हुई कंपनी है, प्लस फाइनेंस के सेक्टर में जो भी कंपनी काम करती है आपको देर से फिर उनके शेयर प्राइस में तेजी आती हुई दिखेगी ही दिखेगी। और आप देख सकते हैं इस सेक्टर की जो फेमस कंपनी है उसमें काफी दिनों तक तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था शेयर प्राइस में, लेकिन जब चलने लगा तो रॉकेट बनते हुए आपको दिखा। तो इस शेयर्स में भी आपको सब्र रखने की जरूरत है। बाकी यदि बात करें हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल की, तो पैन इंडिया का फंडामेंटल आपको ठीक ठाक नजर आएगा। मार्केट कैप तकरीबन 46-46.5 करोड़ के आसपास है, धीरे धीरे बढ़ के 100 करोड़ के ऊपर चला जाएगा, तब जाके इसमें और भी तेजी से इसकी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि 100 करोड़ से ऊपर जब किसी कंपनी का वैल्यूएशन होता है तो ओवरऑल उसमें तेजी आने के संकेत और ज्यादा मिलते हैं। अब समझिए इसके जो शेयर प्राइस है बुक वैल्यू से ज्यादा है, यह बढ़िया बात है। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो माइनस में है, माइनस में नहीं होना चाहिए था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जब मार्केट कैप बढ़ेगा, चूंकि ये सब डिपेंड करता है शेयर के प्राइस बढ़ने पर, तो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी भी बेहतर होते हुए दिखेगा। एक साल के चार्ट पर जब आप इस कंपनी को चार्ट देखेंगे तो आपको चार्ट में दिखेगा कि अभी ये स्टॉक मान लीजिए 2 रुपए 20 पैसा से लेकर 2 रुपए 40 पैसा इसी के बीच में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। हालांकि प्राइस थोड़ा सा 2 रुपए से भी नीचे आ गया है, कह सकते हैं कि ये 2 रुपए 10 पैसा के आसपास आपको ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। 2 रुपए 10 पैसा के लेवल से लेके इसको 2 रुपए 40 पैसा तक आप पा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल माने तो यही 2 रुपए से लेके 2 रुपए 40 पैसा के बीच में आपको ट्रेड कर रहा है। अब सवाल ये कि इस रेंज, चूंकि देखिए अभी ये रेंज में है, रेंज में कोई भी स्टॉक ज्यादा दिनों को समय नहीं बिताता है, समय बिता रहा है। जब भी इससे बाहर निकलेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, और ऊपर कहां तक जाएगा तो ये जो प्रीवियस हाई आप देख रहे हैं कम से कम इसके डबल आप मान के चलिए इतना हाई लगेगा। तो ये जो हाई है 3 रुपए 40 पैसा का है, तो आपको अगली बार जो हाई बनेगा वो तकरीबन 7 रुपए के आसपास जाते हुए दिखेगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि शेयर रेंज में फंसा हुआ है, एक रेंज बाउंड अभी शेयर ट्रेड कर रहा है, इसलिए आपको शेयर प्राइस में तेजी आते हुए नहीं दिख रहा है। इस रेंज से इस स्टॉक के प्राइस को बाहर निकलने दीजिए, आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक धक्का मचाएगा, अगर नेगेटिव में है तो ग्रीन में आ जाएगा। और आप एवरेजिंग भी करना चाहते हैं तो जब प्राइस इस रेंज से बाहर निकले तो इस लेवल पर आप एवरेजिंग कर सकते हैं, और नया व्यक्ति भी यहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सवाल है कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए बेशक करना चाहिए, क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर में है और प्लस कंपनी का जो काम धाम है, जिस तरीके से कंपनी का मैनेजमेंट काम कर रहा है, मेरा पर्सनल व्यू कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हालांकि आप यदि इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो बेशक अपनी स्ट्रेटजी अपना एनालिसिस जरूर फॉलो कीजिएगा, सिर्फ किसी के कहने भर से पैसा मत लगाइएगा। अब समझिए क्वार्टर्स के जब आप रिजल्ट देखते हैं इस कंपनी के, तो क्वार्टर्स के रिजल्ट में आपको दिखेगा कि काफी समय से इस कंपनी का जो सेल्स है सेल्स नहीं हो रहा है। पिछले दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट में थोड़ा सा सेल्स हुआ था, मार्च क्वार्टर के रिजल्ट में वह भी नहीं हुआ। और चूंकि कंपनी चलाना है तो पैसों की तो जरूरत पड़ेगी कंपनी को, तो इसलिए कंपनी के जो अदर्स, चूंकि जिसमें बताया आपको कि मेन बिजनेस है कंपनी सिक्योरिटीज मार्केट में काम करती है, प्लस कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, मेन काम तो कंपनी का हो गया सिक्योरिटीज मार्केट वाला। तो जो अदर बिजनेस है फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी, इसमें कई प्रकार के सर्विसेज आ जाते हैं, एनबीएफसी हो गया और भी तमाम तरह के काम होते हैं, तो इससे जो कंपनी की कमाई होती है उससे कंपनी का गुजारा अभी चल रहा है। और देखेंगे इसी अदर्स इनकम की वजह से कंपनी अभी भी प्रॉफिट में है। मार्च क्वार्टर रिजल्ट में तकरीबन 48 लाख के आसपास कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, काफी बढ़िया बात है। सेल्स नहीं होने के बावजूद कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, जैसा मैं इकलौता अभी तक पेनी स्टॉक आपको दिखा रहा हूँ। तो ओवरऑल समझ में अभी तक जो आया कि फंडामेंटल कंपनी का फिर भी ठीक है, हालांकि बहुत बढ़िया नहीं है, जो कि पेनी स्टॉक में है तो जाहिर सी बात है बहुत बढ़िया तो नहीं होगा, बहुत बढ़िया होता तो पेनी स्टॉक नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे बहुत बढ़िया हो जाएगा।
जब आप कंपनी का डेप्ट देखते हैं तो देखेंगे आपके पास, आप देखिएगा इस कंपनी के पास कोई भी डेप्ट नहीं है, बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है। यानी कि कंपनी प्रॉफिट में भी है, कंपनी के पास कोई कर्जा भी नहीं है, कंपनी का फंडामेंटल भी धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और प्लस कंपनी के काम धाम भी बढ़िया है। तो ओवरऑल मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो सही समय देख के इसमें इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कीजिए। मन में कोई सवाल इससे स्टॉक चल रहा है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तो धन्यवाद, शुक्रिया।